कंगना ने अब किससे माफी मांगी? कंगना के ऑफिस के बाहर धरने पर कौन बैठ गया? लगातार कंट्रोवर्शियल बयान देने वाली कंगना ने दलाई लामा पर इस बार कुछ ऐसा कह दिया जिसे लेकर न केवल उनके दफ्तर के बाहर लोग धरने पर बैठ गए बल्कि मामला इतना बड़ा कि उन्हें माफी तक मांगनी पड़ गई। दरअसल दलाई लामा का एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ था जिसमें वो एक लड़की से जीप लगाते नजर आए थे। इस वीडियो को लेकर दलाई लामा की दुनिया भर में आलोचना हुई और बाद में खुद दलाई लामा ने इसके लिए माफी भी मांगी थी। कंगना ने भी इस मामले पर अपने सोशल मीडिया पर एक मीम शेयर कर दिया जिसमें दलाई लामा को अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के साथ जीप बाहर निकालते हुए मॉर्फ्ड फोटो में दिखाया गया है। इस पर कंगना रनौत ने लिखा, हम दोनों को वही बीमारी है, निश्चित रूप से दोनों की दोस्ती हो सकती है। कंगना की इस तस्वीर पर बौद्ध अनुयायी आहत हो गए और उनके घर के बाहर धरने पर बैठ गए। मामला इतना बड़ा कि कंगना को बौद्ध अनुयायियों से माफी मांगते हुए खुद अपने इंस्टाग्राम में स्टोरी शेयर करते हुए कहना पड़ा, पली हिल ऑफिस के बाहर बौद्ध लोगों का एक समूह धरना कर रहा है। मेरा मतलब किसी को चोट पहुंचाना नहीं था, मैंने सिर्फ मजाक किया था, कृपया मेरे इरादों को गलत ना समझे। कंगना ने लिखा, मैं बौद्ध और उनकी पवित्रता में विश्वास करती हूँ। दलाई लामा ने अपना पूरा जीवन सार्वजनिक सेवा में बिताया है। मैं किसी के खिलाफ कुछ भी बिना सोचे समझे गलत नहीं बोलती हूँ। इतनी गर्मी में खड़े होकर धरना ना दें, कृपया आप लोग घर जाएं। कंगना ने हाथ जोड़ने वाली इमोजी शेयर करते हुए अपने इस पोस्ट के लिए माफी तो मांग ली, लेकिन सवाल ये कि आखिर कंगना ने ऐसा किया क्यों? जवाब है उनकी आने वाली फिल्म इमरजेंसी। कंगना पहले ही अपने बयानों को लेकर काफी केसेस झेल रही है। इस बीच उनके करियर की सबसे बड़ी फिल्म इमरजेंसी, जिसे प्रोड्यूस, डायरेक्ट और एक्ट भी कंगना ने ही किया है, उस पर कंगना का पूरा करियर टिका हुआ है। बैक टू बैक फ्लॉप फिल्में देने वाली कंगना के आगे ये फिल्म उनके करियर के लिए आखिरी उम्मीद है। इस फिल्म के लिए उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी तक गिरवी रख दी है। इतने संगीन हालातों में कंगना खुद के लिए किसी भी तरह की नई मुश्किल खड़ी नहीं कर सकती, खास तौर पर कानूनी मुश्किल। आप कंगना की ऐसी तस्वीर शेयर करने और फिर उस पर माफी मांगने पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।